हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मेरा नाम मुकुल, आप देख रहे हैं मेकिंग टेक। जो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी आपको ऐसे सपोर्ट करते रहना है, तो सभी को मैं बोलना चाहता हूँ थैंक यू। ठीक है, तो जो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ ओप्पो A3s में हमको कैमरा सब कुछ बढ़िया मिलता है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने उस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा, एंड जैसे कि उस पर आपने अच्छे से लाइक सपोर्ट जो भी करा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओप्पो A3s के कैमरे के बारे में। पर लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कैमरे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फिंगरप्रिंट लॉक। तो हमको ओप्पो A3s के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन हमको फेस लॉक देखने के लिए मिलता है। तो हम फेस लॉक कैसे अपने अनेबल कर सकते हैं मोबाइल के अंदर ओप्पो A3s के अंदर, जो हमको ओरिजिनल फेस लॉक है ये। ठीक है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, ये जो हमको ओप्पो A3s के अंदर मिलता है वही चीज़ है हमारा फेस अनलॉक। तो हम देखते हैं कैसे हम उसको अनेबल करते हैं, तो वीडियो के अंदर बने रहे, देखते कौन सी हमको सेटिंग करनी पड़ेगी, किस चीज़ को अनेबल करना पड़ेगा, जो कि हमारा फेस अनलॉक पूरी तरीके से काम करने लगे, सही से काम करने लगे, फेस को देखते ही अनलॉक हो जाए। तो वही बात है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंदर जरूर देखते, क्योंकि लाइक करो, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है, हेलो गाइस, जैसे कि हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, तो जो मेरे ओप्पो A3s की स्क्रीन आपको दिख रही होगी अभी, तो सिंपली हमको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद हमको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमको जाना है फेस इज पासकोड। जैसे कि आपको ये ऑप्शन दिख रहा है फेस इज पासकोड में जाने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, हमको जाना है फेस में। जैसे हम फेस के ऊपर जाते हैं, हमारे पास अपना लॉक का ऑप्शन आता है कि हमारा जो लॉक हम लगा के रखते हैं वो अनलॉक करना। ठीक है, जो ऊपर सबसे ऊपर और फेस जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है, हमको इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद हमारा जो वो मांगेगा फिर से पासवर्ड, जो हमने फ़ोन में लगा रखा वाला पासवर्ड मांगेगा। ये मांगने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमको अपनी फ़ोटो स्कैन करनी है, फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, जिसका फेस लगेगा उसकी आएगा। ठीक है, हमको यूज़ फेस फोर में जाना है, तो हमको जिसे हमको लॉक होना है फेस से हमको उसमें अनेबल कर लेंगे। मेरे को स्क्रीन का लॉक करना है तो मैं स्क्रीन का करूँगा, अगर आपको ऐप का लॉक करना है तो ऐप का, या प्राइवेट सेफ तो मैं स्क्रीन का कर लेता हूँ। स्क्रीन का करने के बाद कुछ हमारा जो फेस का अनलॉक है वो लग जाएगा, जैसे कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ जो हमारा फेस का अनलॉक है वो लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ओप्पो A3s मैंने कवर चढ़ा रखा है, तो आपका ये ना सोचे मैं दूसरा फ़ोन लेके घूम रहा। ठीक है, जैसे कि लॉक लग रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपनी फेस की तरफ करूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ एक अनलॉक का आइकन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए अनलॉक हो चुका है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ, अब देखो मैं ऊपर को करता हूँ तो मेरा जो फेस का अनलॉक, जो फेस लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि वो देख सकते हैं आप, वो अनलॉक हो चुका है, तो ये पूरा फुल वर्किंग कर रहा है। आप भी इसको कर रहे तो फिर से आपको मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अनलॉक हो चुका है। जैसे कि मेरा फेस डिटेक्ट करने के बाद ये अनलॉक हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कमेंट। जैसे कि आपने देखा, हमने बिल्कुल सही से हमारा फेस अनलॉक काम कर रहा है, तो आप भी ऐसे सेटिंग को ऑन कर दो तो आपको काम भी बन जाएगा। तो बस आज की वीडियो यही थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।